छोड़ना पड़ेगा, हम छोटे बच्चे हैं, अब हम कहाँ दबाएंगे छोटे बच्चों का, इसलिए हम डर से सारे कपड़े हम बाहर रख रखे हैं। अब कोई गाड़ी करेंगे तो कई सामान रखने जाएंगे, खर्चा पर्चा भी नहीं हमारे पास। गाड़ी वाले भी कह रहे हैं कि खर्चा दो पहले तब हम सामान ले जाएंगे। जब बद्रीनाथ पट खुलता है भगवान बद्री विशाल के, तो मुझे 3 महीने के लिए ड्यूटी मिलती है। अब 4 बच्चे कैसे पालूंगा मैं, और कुछ साधन भी नहीं मेरे पास, मैं PRD विभाग से हूँ, और अब पता नहीं वहाँ भी ड्यूटी देते नहीं देते, सिर्फ 3 महीने या 4 महीने की मिलती है, वो भी भगवान बद्री विशाल के पट खुलते हैं तभी हमको ड्यूटी मिलती है। और मैं PRD से हूँ, चमोली PRD विभाग से हूँ मैं, और अब मेरे 4 बच्चे का दर दर के ठोकरे खाए गए, घर तो हमारा बर्बाद ही हो गया। रोए नहीं सर, रोए नहीं, सब ठीक होगा, भगवान सब बेहतर करेगा। और रोड पे मौजूद हूँ, जोशीमठ में ही मौजूद हूँ, और यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ की जनता 30,000 की आबादी कहाँ जाएगी, उसको लेकर सवाल है। लेकिन जितने भी घर दरक चुके हैं वो परिवार कहाँ है, काफ़ी अलग अलग होटल्स में लोगों को रखा गया है, लेकिन मैं अभी पहला जो होटल मेरे सामने वो श्रीमान पैलेस में मौजूद हूँ, और मैं आपको होटल के अंदर ले जाऊंगी कि एक होटल के अंदर, एक रूम के अंदर कितने लोगों को रखा जाता है, उनको खाने पीने की व्यवस्था क्या है। लेकिन सवाल यह है कि इस होटल में वो लोग कब तक रहेंगे, अहम सवाल है। लेकिन सवाल का जवाब मैं बार बार पूछने की कोशिश कर रही हूँ, सरकार जवाब दे या सेंट्रल गवर्नमेंट जवाब दे कि आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे। आइए आपको सीधे आपको ये चलते होटल के अंदर और आपको दिखाते हैं श्रीमान होटल में जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे, हालांकि कब तक किसी के होटल में रखा जाएगा, क्योंकि सरकार के पास फिलहाल कोई तैयारी नहीं है कि इन लोगों को कहाँ रखा जाए और क्या खिलाया जाए। जी आपका नाम क्या है सर? गुड्डू। गुड्डू नाम है मेरा जी। गुड्डू जी आप ये बताएं, ये आपकी पत्नी है? जी हमारी। जी गुड्डू जी आप ये बताएं कि कब से इस होटल में है आप? हमको आज 3rd दिन हो गया मैम। 3rd दिन हो गया जी मैम। घर आपका खराब हो गया, टूट चुका? घर में पूरे दरार आ, रहने लायक नहीं रह रखा। अच्छा कब तक आप रहेंगे? अब पता नहीं, तो इन्होंने हमें व्यवस्था कर रखी है अभी यहाँ पे फिलहाल, पता नहीं रखवाया है ये हमारी कोई क्या थे, कोई घर में आ रखे थे इनको पता नहीं हमको। अच्छा कोई अधिकारी आए थे, उन्होंने हमको यहाँ ठहरा रखा है। ये नहीं बताया गया कि आप, अच्छा आप लोगों ने पूछा है कि घर बनाकर आप लोगों को देंगे, मुआवजा देंगे, कैसे रहेंगे? मैडम उन्होंने खाली नाम लेके जा रखा है कि नाप नपटी हो रखी हमारी मकानों की, आप पता नहीं आगे क्या होगा। सामान कहाँ है आप? सामान अभी हमने भारी रख रखा कमरे के बाहर पैक करके। हाँ अब हम कमरे छोड़ना पड़ेगा, हमें छोटे बच्चे हैं, अब हम कहाँ दबाएंगे छोटे बच्चों का, इसलिए हम डर से सारे कपड़े हम बाहर रख रखे हैं। अब कोई गाड़ी करेंगे तो कई सामान रखने जाएंगे, खर्चा पर्चा भी नहीं हमारे पास। गाड़ी वाले भी कह रहे हैं कि खर्चा दो पहले तब हम सामान ले जाएंगे, कहाँ से देंगे हम खर्चा पर्चा, जब खर्चा होगा तभी कौन दे रहा आने का। अभी तो आपने खर्चा भी नहीं है हमको आने जाने के लिए, बच्चों को दूध पिलाते वो भी नहीं है हमारे पास। बेटा आप दूध पीते हैं? हाँ। मिलता है अभी दूध? नहीं मिलता दूध, कहाँ से मिलता दूध? अभी दूध नहीं मिलता, अभी दूध नहीं मिलता। चलिए कल्पना की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। आइए आप दिखाइए होटल के अंदर अभी कितने लोग हैं इसमें? अभी तो सब जा रहे थे मैम। अच्छा धरना पे गए हुए लोग? अच्छा अच्छा, तो ये रूम है, ये रूम लाइट चल, ये रूम है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, श्रीमान पैलेस है। कितने लोग रहते हैं? सिर्फ हाल फिलहाल हम अभी इतने ही लोग रहते हैं यहाँ। सबके लिए अलग अलग बेड बनाए गए? अलग अलग बेड, 4 लड़की थे मेरे, वो 3 लड़के मैंने नीचे कण प्रयाग भेज दिया, अभी हाल फिलहाल हम 3 ही माँ बते हैं यहाँ। अच्छा। हमको डर लगी तब भेजा हमने इसलिए। अच्छा डर किस बात को लेकर? वो डर दरार आने के लिए इसलिए भेजा मैंने नीचे। अच्छा मैंने कहा दरारे आ जाए, बच्चों को कुछ हो ना चुके तब, इसलिए हम 2 परवाइये 3 माँ बुत रहे यहाँ कि बच्चों को कुछ ना आए। देखिए बहुत ही बेबस ये लोग, ये परिवार बहुत बेबस है, जिसकी वजह से यहाँ पर होटल में बैठे हुए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि होटल में कितने दिनों तक इनको रखा जा रहा है। मैं यही जानने के लिए यहाँ पर आई हुई थी, क्योंकि वो कल्पना छोटी सी बच्ची, आओ बेटा यहाँ आओ, ये कल्पना छोटी सी बच्ची है जो कहती है कि NTPC भाग जाओ। तो मैंने पूछा इस बच्ची से कि NTPC को कैसे आप भगाना चाहती है, छोटी सी बच्ची है। इसकी वजह से मैं इस होटल में आई हूँ ताकि मैं देख सकूँ यहाँ पर कितने लोग कहाँ कहाँ पर रहते हैं। उस होटल के रूम के अंदर शायद कितने लोग रहते हैं? इसमें 6 है लेकिन ये ऊपर जा रखे हैं। हाँ तो सभी होटल के रूम के अंदर अलग अलग रूम में 6 लोग 10 लोग 15 लोग इस तरह से रह रहे हैं, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था जो है वो ठीक। काफी हॉस्टल ऐसे हैं जहाँ पे नहीं है, लेकिन इनको बताया जा रहा है नगर पालिका द्वारा आप लोग खाना मिल पा रहा है। अब देखना होगा कि ऐसी जिंदगी कब तक इन लोगों को बितानी है, लेकिन मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर लगातार बनी हुई हूँ ताकि आपको सच दिखा सकूँ न्यूज बिन के जरिए। ठंडे में रह रहे हैं यहाँ, हीटर नहीं है कुछ नहीं है, कहाँ रहने ठंडों में। अपने कमरे में रहते तो थोड़ा आग जला करके थोड़ा
तो आजकल में जो सिर्फ सीजन में 3 महीने के लिए जब बद्रीनाथ पट खुलता है भगवान बद्री विशाल के, तो मुझे 3 महीने के लिए ड्यूटी मिलती है। अब 4 बच्चे कैसे पालूंगा मैं, और कुछ साधन भी नहीं है मेरे पास, मैं PRD विभाग से हूँ, और अब पता नहीं वहाँ पे ड्यूटी देते नहीं देते, सिर्फ 3 महीने या 4 महीने की मिलती है, वो भी भगवान बद्री विशाल के पट खुलते हैं तभी हमको ड्यूटी मिलती है। और मैं PRD से हूँ, चमोली PRD विभाग से हूँ मैं, और अब मेरे 4 बच्चे का दर दर के ठोकरें खाए गए, घर तो हमारा बर्बाद ही हो गया। रोए नहीं सर, रोए नहीं, सब ठीक होगा, भगवान सब बेहतर करेगा, लेकिन सरकार को सोचना है। ये सरकार को सोचना है कि अब क्या किया जाए, और PRD के माध्यम कोई हमारी सुने तो हमें रोजगार देने की कोई कष्ट करे। जी ज़रूर, मैं न्यूज़ व्यू रिपोर्ट के जरिए मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हूँ, होटल हो, घर हो, परिवार हो, हर जगह मैं जाऊँगी ताकि मैं आपको सच दिखा सकूँ कि सच्चाई क्या है।